हैं कि जितना हम लोग टैक्स में केंद्र को भेजते हैं, जितना दिल्ली अपना इकट्ठा करती है, उसमें से सिर्फ 300 करोड़ हमें वापस मिलता है। सेंट्रल जो हमारा सीएसटी है, उसमें हमें जो है 2011 और 12 के वित्त वर्ष का जो मिलना है वो भी अभी तक नहीं आया है। तो मैं आपसे यही कहूंगी, और खास तौर से भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की जो चिंताएं हैं, उनका ये कहना है कि कनाडा में 26 साल पहले ये लागू हुआ, 110 के करीब अधिक देश हैं जहां जीएसटी लागू है, अमेरिका उनमें शामिल नहीं है। मलेशिया ऐसा राज्य है जहां 2 साल से इसे लागू किया गया, लेकिन रोल बैक करने की वहां पर लगातार आंदोलन हो रहे हैं और मांग उठ रही है मलेशिया में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इससे जो है हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा। कैसे होगा, इसका क्या फॉर्मूला है, कैसे, कुछ नहीं मालूम कि हमारा विकास होगा, जीडीपी बढ़ जाएगी। मैं ये कहना चाहूंगी जीडीपी तो अभी भी बढ़ी हुई है, कितने रोजगार मिले हैं, कितने उद्योगों को आपने जो है स्थापित किया है। मैं अभी आपसे वही देवेंद्र जो शर्मा है हमारे अर्थशास्त्री और लेबर कमीशन की रिपोर्ट अध्यक्ष जी कहती है कि पिछले 12 सालों में 48 लाख करोड़, अध्यक्ष जी अमाउंट छोटा नहीं है, पिछले 12 सालों में कॉरपोरेट हाउसेस को केंद्र सरकार ने 48 लाख करोड़ रुपए की टैक्स की छूट दी है। किस लिए टैक्स की छूट कॉर्पोरेट्स को दी गई, कि आप अपनी कीमतों को कम कर पाएंगे, महंगाई में कमाई कम होगा और रोजगार मिलेंगे। अब रोजगार की दिशा देखिए, 12 साल में कितने रोजगार आए, 12 साल में जहां 12 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे देश के युवाओं को, उसमें से सिर्फ 1.5 करोड़ युवाओं को ही रोजगार पिछले 12 सालों में मिला है। और पिछले 2 साल की अगर स्थिति की बात करूं, कि अगर मोदी सरकार का 12 साल से तो हम थे नहीं, हम आपके जिम्मेदार हैं, तो अभी की जो है लेबर कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 2 साल में सिर्फ और सिर्फ 8 लाख नौकरियां ही केंद्र की मोदी सरकार इस देश में ला पाई है, 2 साल में सिर्फ 8 लाख नौकरियां। महंगाई को लेकर इनकी कोई भी, इनके पास तैयारी नहीं है। मैं इन चिंताओं को रखते हुए, और मुझे खुशी है कि जो मैं दिल्ली सरकार की तैयारियों के बारे में पढ़ रही थी कि 10 एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर लेवल ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, कि अगर जीएसटी आता है तो उसे किसी तरह लागू किया जाए, किस तरह से कंप्यूटर प्रणाली को दुरुस्त किया जाए ताकि फटाफट जो है उसमें हर व्यापारी अपने आप को रजिस्टर कराकर अपना जो है टैक्स की जानकारियां दे पाए। 10 एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर की ट्रेनिंग हो चुकी है और 40-30 के करीब अधिकारियों की जो ट्रेनिंग है, वो जो समय यहाँ है 29 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में, उनकी भी 40 ऐसे अधिकारियों की ट्रेनिंग पूरी कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि इतनी केंद्र सरकार तैयार नहीं है जितनी दिल्ली के वित्त मंत्री अपनी पूरी टीम के साथ जीएसटी का पूरा स्वागत करते हुए इसे लागू करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। पर मैं यही कहूंगी, भ्रष्टाचार में कितनी कमी आएगी, महंगाई में कितनी कमी आएगी, ये सब समय बताएगा, लेकिन यहां तक दिखता है कि इसकी तैयारी बिल्कुल केंद्र सरकार ने की है ऐसा नहीं दिखता है। ये जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है, ये मेरा नहीं, ये उनका कहना है। वो ये लिखते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की यह धारणा कि जीएसटी में भ्रष्टाचार समाप्त होगा, जो कि एक सपने जैसा लगता है, ये मुझे नहीं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को नियत पे शक है। देश के प्रधानमंत्री जो ये दावा करते हैं कि बिल्कुल भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये नहीं बता रहे, इसलिए उनको और हमें उनकी नियत पे शक है। जीएसटी देश के महान अर्थशास्त्री कौटिल्य के अनुसार लगना चाहिए। अब कौटिल्य के अनुसार कैसे जीएसटी होना चाहिए, अब उसका जवाब कौटिल्य को कोट कर रही हूं। उन्होंने कहा था कौटिल्य जी ने कि हर राज्य को कर लगाने का अधिकार है और हर नागरिक को देश के विकास के लिए कर देने का दायित्व होता है, परंतु कर वसूलने का तरीका या दर ऐसी होनी चाहिए जैसा, जैसे भंवरा फूल का मधु तो ले लेता है परंतु उसकी शोभा नहीं बिगाड़ता। हमारे जीएसटी में भी इसी प्रकार की व्यवस्था का स्वागत है, यानी कि आप हमें, हमसे सब ले लेंगे, लेकिन जब देने की बारी आएगी तो क्या आप दे रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो चिंताएं हैं। मैं इसमें ये 17 अगस्त की इंडिया टुडे मैगजीन का हवाला दे रही, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री एक्सपर्ट नहीं हूं। ये जो है हमारे अरविंद सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें साफ लिखते हैं कि गरीबी इसमें जो है, शुरू में जीएसटी का असर महंगाई बढ़ाने वाला होगा, ये सबको वो चेतावनी दे रहे हैं। 13वें वित्त आयोग का अनुमान है कि कृषि उपज की कीमतें 0.61% से 1.18% बढ़ जाएंगी।
गरीब से सबसे कम कर लिया जाना चाहिए, ये उनकी मांगे हैं। लेकिन मुझे है कि छोटा व्यापारी, क्योंकि मेरा जो चांदनी चौक विधानसभा और कश्मीरी गेट है वो मैन्युफैक्चरिंग अपने खुद उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये उनकी जो चरित्र है वो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण प्रणाली का है। तो मुझे लगता है मेरा छोटा व्यापारी चांदनी चौक, कश्मीरी गेट या दिल्ली में दूसरे विधायकों ने जो बात उठाई है उससे चिंतित है कि क्या सच में जो बातें जो दावे किए जा रहे हैं जीएसटी एक एक कंट्री एक टैक्स एक मार्केट के माध्यम से, ये जो चीजें हैं जो जीडीपी की दरों की बात की जा रही है, इन सबसे देश को फायदा होगा। पर हम फिर भी एक अच्छी सोच एक अच्छी नियत के साथ केंद्र की सरकार पर नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर नहीं, क्योंकि उनको भी डॉक्टर मनमोहन सिंह पर यकीन 10 साल नहीं रहा, इसलिए उन्होंने जीएसटी का विरोध करता रहा। तो आज वही चीज हमारे साथ है, हमें कतई भी केंद्र की मोदी सरकार पर या प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं है कि जीएसटी लागू होने के बाद आप महंगाई और भ्रष्टाचार पर काबू पा पाएंगे। लेकिन फिर भी इस हाउस की सदस्य होने के नाते हम बिल्कुल जीएसटी का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि इस सदन में हमारी जो सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय मनीष